नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चुंदेल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से टिकट दिलाने के नाम पर ठगी करने का एक मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार ये ठगी सपा की पूर्व नगर अध्यक्ष रीता चौधरी और उनके पति हरेंद्र द्वारा की गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा पार्टी से टिकट दिलाने के नाम पर रीता चौधरी और उनके पति हरेंद्र ने मेरठ के रहने वाले रिटायर्ड पुलिस उपाध्यक्ष सेंसर पाल से 50 लाख रुपए ठगे हैं। दरअसल हापुड़ जनपद में समाजवादी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता ने रिटायर्ड सीओ से ही सपा से टिकट दिलाने के नाम पर 50 लाख रुपए ठग लिए हैं। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से टिकट दिलाने के नाम पर एक रिटायर्ड सीओ से सपा की एक महिला कार्यकर्ता ने 50 लाख की ठगी कर डाली है। ठगी का एहसास होने पर और टिकट न मिलने पर रिटायर्ड सीओ ने हापुड़ कोतवाली में सपा की एक महिला कार्यकर्ता सहित 3 लोगों पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। आपको बता दें, रिटायर्ड सीओ सेंसर पाल ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव में हापुड़ से चुनाव लड़ने की तैयारी करने के साथ ही वो लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात हापुड़ के पन्नापुरी के रहने वाली सपा की कार्यकर्ता रीता चौधरी से हुई, जिसके बाद रीता चौधरी ने उनको समाजवादी पार्टी हाईकमान से उनके खास संबंध होने का हवाला देते हुए पार्टी हाईकमान से बात कर पार्टी से टिकट दिलाने की बात कही और उनसे 50 लाख रुपए की डिमांड की, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए तो रीता चौधरी की तरफ से लगातार फ़ोन किए जा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने 20 लाख रुपए की रकम अपने अकाउंट और 30 लाख रुपए अपनी पत्नी के अकाउंट से रीता चौधरी के अकाउंट में जमा करा दिए। रुपये देने के बाद जब रिटायर्ड सीओ ने रीता चौधरी से संपर्क करने का प्रयास किया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और सपा से टिकट भी नहीं हुआ। आपको बताते हैं, रिटायर्ड सीओ को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने हापुड़ कोतवाली नगर में रीता चौधरी सहित उनके पति और एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इस पूरे मामले में सीओ हापुड़ नगर एसएन वैभव का कहना है कि सेंसर पाल सिंह द्वारा विधानसभा चुनाव में टिकट दिलाने के नाम पर 50 लाख रुपये ठगी होने से संबंधित तहरीर दी गई थी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बन रही है वन इंडिया हिंदी के साथ।